हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेडिकल गुरु चैनल। मैं विकी गुप्ता आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मेल मर्ज फंक्शन के बारे में। मेल मर्ज फंक्शन क्या होता है? देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है मेल मर्ज फंक्शन, जो कि एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड का एक ऑप्शन है। ठीक है, तो पहले पढ़ लीजिए एमएस ऑफिस में वर्ड का क्या फंक्शन है, क्या होता है। देखो, यहाँ लिखा हुआ है मेल मर्ज एक प्रकार का पत्र भेजने या संदेश भेजने की प्रक्रिया है, जिसमें आपको व्यक्ति का नाम, पता इत्यादि लिखकर उसे एक पत्र भेज सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, लेटर सेंड कर सकते हैं, इसमें पत्र लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, क्योंकि समय कम लगता है। ठीक है, भेजने को तो आजकल ईमेल का भी जमाना है, भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समय कम लगता है। इसमें एक पत्र लिखकर उसी की कई कॉपियों को एक साथ आप कितने भी लोगों को अलग अलग भेज सकते हैं, मतलब अलग अलग लिखने की जरूरत आपको नहीं होगी। इसमें पहले से ही एक खाली फॉर्म बनाकर उस व्यक्ति का पता इत्यादि लिखने के लिए दिया जाता है। बस इस फॉर्म को तुरंत भर दीजिए और आपका पत्र तैयार हो गया। इस पर फॉर्म को आप अपने आवश्यकता के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। मेल मर्ज का उपयोग क्यों किया जाता है? मान लीजिए आपने एक निमंत्रण पत्र भेजना है, यानी कि एक इन्विटेशन लेटर भेजना है। ये लेटर 1500 लोगों को भेजना है, तो आप क्या करोगे, इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक एक करके इसमें व्यक्तियों का नाम, पता इत्यादि लिखेंगे। और अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत समय लग जाता है, लेकिन अगर आप मेल मर्ज का उपयोग करते हो तो इसी पत्र को तैयार करते वक्त आपका बहुत समय बच जाता है और तैयार हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मेल मर्ज में व्यक्तियों के नाम, पता इत्यादि लिखने के लिए एक फॉर्म तैयार करके दिया गया है, तो इस फॉर्म में उन व्यक्तियों का नाम, पता इत्यादि लिखकर अलग अलग लिखना है, और जितने व्यक्ति आपके पास है उनका निमंत्रण पत्र भेजना है। इस और उन सभी व्यक्तियों का नाम, पता इस मेल मर्ज में लिख देना है, बस आपका निमंत्रण पत्र तैयार हो जाता है। तो इसमें आप हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कहने का जो अभी समराइज मतलब है, अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ, तो आप इसमें लेटर लिख सकते हो और उस लेटर को एक साथ कई लोगों को सेंड कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। तो इसलिए ये मेल मर्ज तैयार किया जाता है। अब मैं आपको सिखाता हूँ इसको डिटेल में करना कैसे है। देखो, आपके पास सबसे आपके पास एमएस वर्ड होगा, इसको आप ओपन कर लेंगे और इसमें यहाँ पे देखो मेलिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। देखो मेलिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे मेलिंग के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखो एक एक ऑप्शन दिया हुआ है, इनवलप का, लेबल का, अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको कैसे उपयोग करना है वो मैं आपको अभी सिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे काम की चीजें लाता रहता हूँ। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये इनवलप का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो इनवलप पे आप जाओगे, इस तरह से क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक, जैसे मैंने किया यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन खुल गया, तो देखो इसमें ये लिखा हुआ है, ये तो सिलेक्टेड आ रहा है कि भी क्या क्या चीजें थी, मेरे को इसमें नहीं सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे साफ साफ एक वर्ड लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है डिलीवरी एड्रेस, यानी कि हमें कहाँ डिलीवरी करनी है उसका एड्रेस। जैसे मान लो मैंने कहा कि मुझे डिलीवरी करनी है, तो मैंने कहा कि मुझे कृष्णा इंस्टीट्यूट में डिलीवरी करनी है। ठीक है, कृष्णा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो मैंने यहाँ टाइप कर दिया कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब ये कहाँ पे, इसका एड्रेस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो मैंने लिखा C120/7 स्ट्रीट नंबर 3 हजनपुरा, और इसको मैंने लिख दिया दिल्ली में, कहाँ पे, तो भैया 00553। ठीक है, ये मेरा एड्रेस हो गया। अब देखो नीचे ये बोल रहा है रिटर्न एड्रेस, मतलब अगर ना सेंड हो तो कहाँ आ जाए, तो मैंने कहा रिटर्न एड्रेस आ जाए, भाई रिटर्न एड्रेस में कोई भी एड्रेस दे देता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई मेरा मैं भेज रहा हूँ लोनी से, अगर मैं भेज रहा हूँ तो रिटर्न एड्रेस मेरा लोनी का ही होगा, क्यों? तो मैंने यहाँ पर लिखा खसरा नंबर 320, खसरा नंबर 320, ठीक है, सात दुल्लाबाद, न्यू आकाश विहार। ठीक है, लोनी, और लोनी का जो पिन कोड है वो डाल देते हैं, लोनी का पिन कोड है 201102, ये पिन कोड है। ठीक है, यहाँ ये प्रीव्यू दिखा रही है कि इस तरीके का आपका लेटर है तैयार होगा। मैंने कहा ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे एड इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज, आप करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं कर सकते, ये आपकी अपनी इच्छा है। ठीक है, इसको मैंने किया एड टू डॉक्यूमेंट, जैसे ही मैंने इसको एड टू डॉक्यूमेंट किया, यस मैंने यहाँ से एड टू डॉक्यूमेंट किया,
जैसे ही मैंने एड टू डॉक्यूमेंट किया, तुम देखोगे यहाँ पर इस तरीके से एक पहले से ही एनवेलप बन के आ गया कि भैया यहाँ जाएगा, ठीक है, पर्टिकुलर जगह में। ये देखो ये आपका सेंडिंग एड्रेस आ गया यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे ये एड्रेस आ गया आपका जो आप जहाँ पे भी आपको सेंड करना है, ठीक है सर। इसके बाद ये लेबल्स का काम है। लेबल्स में क्या हो जाता है, लेबल्स में हमारा जहाँ पे भी भेजना है उसका लेबल आ जाता है पूरा का पूरा। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज करने का, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट मेल मर्ज। जैसे ही मैंने इस ऑप्शन को खोला, यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट अ मेल मर्ज टू क्रिएट अ फॉर्म और लेटर, ये मैं बता चुका हूँ आपको, आगे बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। क्लिक करते हैं, देखो लिखा हुआ लेटर लिखेंगे, फिर ईमेल मैसेज करेंगे, इनवेलप करेंगे लेबल। तो इससे अच्छा है कि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक ऑप्शन दिया है कि भाई स्टेप बाय स्टेप करो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस सारे के सारे ऑप्शन जो तुम देख रहे हो यहाँ पे, वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली होते चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप करते ही मैंने क्या है, यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन आ जाता है, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है मेल मर्ज का, ठीक है। देखो लेटर, ईमेल्स, इनवेलप, लेबल्स डायरेक्टली, देखो यहाँ पे है ऑप्शन वही, ठीक है। तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेटर सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, लेटर सेलेक्ट करने का नीचे आ जाते हैं, ठीक है, लेटर, क्योंकि लेटर तो लेटर में लेटर टाइप करना है, जो भी लेटर टाइप करना है। तो मेल मर्ज द्वारा पत्र तैयार करने के लिए पहले आपको नाम पता इत्यादि लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने लिख दिया सेवा में, मतलब कुछ भी लिखना है, नाम पता, पिन कोड वगैरह, स्टूडेंट, मैंने लिख दिया। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, मेरे को स्टार्ट करना है डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि देखो यहाँ पे कह रहा है कि सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, मैंने कहा यही है मेरा डॉक्यूमेंट, कह रहा है हाउ डू यू वॉन्ट टू सेटअप योर लेटर्स, कैसा कैसे इसी डॉक्यूमेंट को यूज करना चाहते हो, या कोई टेम्पलेट यूज करना चाहते हो, या कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट यानी तुमने पहले से सेव कर रखा है उसे यूज कर। पर ठीक है भैया, मेरे को तो इसी पे यूज करना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी काम कर ही रखा है। तो मैंने इसको यहाँ से नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट रिसिपेंट, रिसिपेंट मतलब इसको सेंड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, देखो यहाँ पे मैं तुम्हें जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, तो ये इस तरीके से खुल के आएगा, ठीक है। यहाँ देखो ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट रिसिपेंट में यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ठीक है, कोई पहले से लिस्ट तैयार हो तो आप एग्जिस्टिंग लिस्ट कर सकते हो, आउटलुक कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नहीं तो टाइप अ न्यू लिस्ट। मैंने कहा यार मेरे को इतनी नहीं आता, मैं क्या करता हूँ, मैंने सीधा टाइप अ न्यू लिस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है क्रिएट का, जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा तो यहाँ पर मेरे को एक छोटा सा यहाँ पे ये मेन्यू अपने आप खुल गया। देखो मैं इसको बंद करके दिखा रहा हूँ, क्रिएट पर क्लिक कर रहा हूँ तो अपने आप खुल रहा है ना, ये बना बनाया मेन्यू। अब मुझे किस किस को भेजना है उसका यहाँ पे एड्रेस पूरा आ जाएगा। देखो मैंने कहा कि जैसे थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, तो मैंने कहा मिस्टर, ठीक है भाई मिस्टर, अब क्योंकि कृष्णा इंस्टीट्यूट में मैंने कृष्णा को भेजना है, मुझे कृष्णा जी को भेजना है मुझे, तो कृष्णा, ठीक है, तो कृष्णा KICS इंस्टीट्यूट का शॉर्ट नेम है। वैसे मैं आपको एग्जांपल के समझा रहा हूँ, ठीक है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो कंपनी का नाम क्या है, भैया मैंने कंपनी का नाम एलरेडी टाइप कर दिया, ठीक है, बट अगर कंपनी ना हो तो आपको टाइप करना जरूरी नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, एड्रेस जो भी एड्रेस है तुम टाइप करना चाहते हो तो टाइप करो, नहीं करना चाहते हो मत करो, क्योंकि एड्रेस एक बार तो टाइप हो ही चुका है रेसिपेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको टाइप कर दिया। चलो मैंने कहा कि चल बच्चे का मन रख लेते हैं, टाइप कर लेते हैं, कर ले, तो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ही बार करना पड़ेगा यार, ये जो एफर्ट लग रहा है ना ये लेटर वगैरह टाइप करने में, ये क्या है एक ही बार करना पड़ेगा, उसके बाद तो हज़ार कॉपी भेजो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एड्रेस टू अगर कोई सेकेंडरी एड्रेस है तो दो, नहीं है तो मत दो सिटी। मैंने कहा भाई दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के बंदे हैं, हम दिल्ली सिटी ला लेंगे। जिप कोड, यहाँ पे हमने जिप कोड डाल दिया, हर एरिया का अपना एक कोड होता है। कंट्री, मैंने कहा कंट्री वी बिलोंग्स टू इंडियन, भारत का रहने वाला हूँ। फोन नंबर, तो भैया कृष्णा इंस्टीट्यूट का जो भी फोन नंबर है 011-3260-2266, ये डाल देते हैं। ईमेल एड्रेस, मैंने कहा ईमेल एड्रेस को जानकारी चाहिए तो भैया krishna@gmail.com पे संपर्क करें, ठीक है। अभी कह रहा दूसरा, मैंने कहा दूसरा भेजना भाई, एक बहुत ही महान व्यक्ति है, कौन है वही, तुम्हारा सही था विक्की गुप्ते, तो विक्की गुप्ता जी को भेजना है यहाँ पे। तो इनकी कंपनी क्या है, इनकी कंपनी तो KICS है भैया, जो रोजी रोटी है वो हमारी यहीं से है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस कोई टाइप कर लेना है, जैसे कि मान लो कुछ भी एड्रेस है XYZ, ये मैंने टाइप कर लिया, ठीक है, ठीक है। सिटी क्या हो जाएगी, सिटी दिल्ली हो जाएगी, यहाँ पे आप सेट कर रखो सिटी का, दिल्ली स्टेट, दिल्ली। दिल्ली वालों के लिए फायदा है कि सिटी और एड्रेस दोनों सेम होता है, जैसे मान लो अगर मान लो सिटी यूपी है तो स्टेट क्या होगा, राज्य तो हमारा वही है ना दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे टाइप कर लिया मैंने, ठीक है भाई। अब जितने लोगों को भेजना है वहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे नाम आ जाएगा, देखो ये फोन नंबर एड्रेस, जो तीसरे का नंबर, मैंने कहा चलो मेरे को दो ही लोगों को भेजना है, ठीक है, स्टार्टिंग क्योंकि अभी सीख ही रहे ना, दो लोगों को भेजना है, ओके कर देते हैं।
ओके करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर कभी कुछ नहीं होता, यहाँ पे आ जाता है सेव एड्रेस लिस्ट। एड्रेस लिस्ट को सेव करना पड़ेगा ना, हमने बनाई है। तो मैंने कहा ठीक है सेव कर देते हैं, सेव कर देते हैं। कान्हा जी के वहाँ भेजना भैया हमें, तो कान्हा जी के हैं। सेव कर दिया, तो यहाँ पे देखो ये आ गया पूरा। मैंने कहा हाँ ठीक है, ऐसे भी ठीक है चलेगा। सेव कर दिया, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि नेक्स्ट में कह रहा है कि राइट योर लेटर। देखो यहाँ लिख रहा है राइट योर लेटर, तो मैंने कहा राइट योर लेटर, तो भैया लेटर तो लिखा हुआ है ही, ये पूरा लेटर मैंने देखो ये लिख रखा है आपके लिए, ठीक है। आराम आराम से दिखा रहा हूँ आपको क्या क्या लिखा हुआ है मैंने। ये जो भी मैंने स्टेप यहाँ पे किए हैं ना, वो सारे स्टेप जो है मैं आपको यहाँ पे मैंने लिख भी रखे हैं इसको, ठीक है, कि मैंने कैसे कैसे किया है। तो मैं इसको धीरे धीरे इसको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो को पॉज कर करके आप इसको लिख सकते हैं स्टेप को, कि भैया स्टेप भैया ने कैसे कैसे फॉलो किए हैं। ये देखो ये आराम आराम से मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो को आराम से पॉज करना, स्टॉप करके आराम आराम से लिख लेना, ठीक है। ये देखो ये सारे स्टेप हैं इस तरीके से, ठीक है। ये आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा, केवल रेडिकल गुरु चैनल पे मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने दिखाया। अब ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखो लिखा हुआ है इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो राइट योर लेटर नाउ, ठीक है, टू एड रिसीपेंट इन्फॉर्मेशन, जो रिसीव करने वाला उसके लिए। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर ये क्या है कि मैंने मान लो मैंने कि कोई एड्रेस ब्लॉक नहीं बनाया, ठीक है, और मान लो ये जैसे ये एड्रेस लिखा हुआ, मैंने कहा एड्रेस नहीं बनाया, तो मैंने कहा एड्रेस नहीं बनाया तो यहाँ पे मैंने कहा एड्रेस ब्लॉक डाल दो। जैसे ही मैंने एड्रेस ब्लॉक डाला ये रहा, तो देखो भैया ये एड्रेस ब्लॉक इस तरह से आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। इसके बाद ग्रीटिंग लाइन, तो ग्रीटिंग लाइन जैसे ये सेवा में लिखा हुआ है ना, उसी तरह से अगर मैंने कहा सेवा में मेरे को कुछ और नहीं, मेरे को यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन दे दी है, जैसे जो भी लिखना है, ये आज का जहाँ पर बॉलीवुड पता नहीं क्या क्या आ रहा है, ये तो नाइन कर दो, मिस्टर के ICS या और कुछ डाल दो, ये ठीक है। तो ये ग्रीटिंग लाइन आ गई सेवा में, ठीक है। तो सेवा में ऊपर रहने देते हैं और इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला ऊपर कर लेते हैं, क्लिक दबाकर बिना क्लिक छोड़े ये आ गया, ठीक है। बाकी चीज़ों को एज इट इज रहने देते हैं। अभी लिखा हुआ प्रीव्यू जो लेटर, जैसे ही मैं प्रीव्यू करता हूँ लेटर का, आप देखना भाइयों चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार। देखो क्या होगा, प्रीव्यू करते ही देखो यहाँ पे आ गया मिस्टर के ICS, और ये देखो एड्रेस लाइन में देखो पूरा का पूरा एड्रेस आ गया जो कि मैंने यहाँ पे दिया था, ठीक है। अब करते हैं कंप्लीट मेल मर्ज, यहाँ पे फंक्शन है कंप्लीट मेल मर्ज, तो कंप्लीट मेल मर्ज करेंगे, क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, आप इसको प्रिंट भी करा सकते हो, यहाँ से प्रिंट करा सकते हो, नहीं तो एडिट इंडिविजुअल कर सकते हो, एडिट करना हो तो एडिट कर, प्रिंट करा लेते हैं लोग, नहीं तो क्या करते हैं यहाँ पे एक और ऑप्शन है प्रिंट के अलावा, यहाँ पे ऑप्शन होता है सेंड ईमेल मैसेजेस। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा भाई साहब, वो वैसे ही जो है ईमेल के रूप में यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें जैसा भी जो भी ईमेल हमने टाइप किया है, वो ईमेल एड्रेस को भेजना है, ठीक है, सब्जेक्ट लाइन जो भी सब्जेक्ट है, और यहाँ से कितने फॉर्म में भेजना है वो सारा टाइप करके ओके कर देंगे, तो सारा चला जाएगा। तो दोस्तों ये था मेल मर्ज का इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि आपने सीखा रेडिकल गुरु चैनल पे। आपको पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के अंदर, कमेंट करके बताइएगा मुझे आपको जो है इसका ये वीडियो कैसा लगा। और अगर कोई परेशानी आ रही हो तो फ्रेंड्स वो भी टाइप कर देना, क्योंकि मैं आपकी परेशानी को सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है। इसी उद्देश्य से मैंने ये ऑनलाइन आपका YouTube चैनल शुरू किया है, कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से सीख रहे हैं पर्सनली, और जो मेरे से मेरे जो भाई बहन हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, उनको भी मैं अच्छे से अच्छा सिखा पाऊँ। फ्रेंड्स अगली वीडियो किस पे देखना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा, तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, नए लोगों को सब्सक्राइब करने का ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। थैंक यू, स्टे वॉच, थैंक यू वेरी मच।